गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ राजकुमार शर्मा। मैं वेस्टइंडीज में एक यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूं और आज हम आपको बताएंगे शार्क के बहुत ही जबरदस्त हमारे एयर प्यूरिफायर के बारे में। जी दोस्तों, हमारे पास दो रेंज में एयर प्यूरिफायर हैं। एक हमारे लिए अपने घर के लिए है और दूसरा अपनी गाड़ियों के लिए है, क्योंकि तो गाड़ियों में भी बहुत पॉल्यूशन होता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। टुडे एयर प्यूरिफायर इज ए नीड और लग्जरी। जी दोस्तों, जैसे कि आपने देखा है कि पहले क्या होता था, पहले जमाने में टीवी क्या था, कहीं कहीं किसी किसी के घर में मिलते थे, तो एक लग्जरी था। लेकिन आज की डेट में क्या है, टीवी एक नीड बन चुका है हर एक परिवार। सेम इसी तरीके से अब से 20 साल पहले मोबाइल अगर किसी के पास होता था तो वो एक तरह से लग्जरी में काउंट होता था। लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे तो एक भिखारी के पास भी मोबाइल मिलता है, तो वो आज हमारी जरूरत बन चुका है। तो दोस्तों सेम उसी तरीके से अभी हमें यह देखना है कि एयर प्यूरिफायर आज हमारी जरूरत है या हमारी लग्जरी का हिस्सा है। कुछ लोग तो लग्जरी का सोचते हैं, लेकिन दोस्तों आज ये भी हमारी एक जरूरत बन चुका है और इसको मैं अभी आने वाली स्लाइड्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा। जी दोस्तों, दरअसल फ्रेंड्स, हमारा जो अस्तित्व है ये हम 5 तत्वों के ऊपर निर्भर है: पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। जैसा सभी को पता ही है कि 5 तत्व से मिलके ही हमारा शरीर बना हुआ है, लेकिन आज हम पृथ्वी और आकाश के बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो तो जैसे हैं वैसे ही हैं। लेकिन अगर हम बात करें अग्नि, अग्नि यानी कि फूड, यानी कि जो खाना है जो आप खाते हैं, तो अगर मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में और आपको लगता है भाई ये होटल में या इस रेस्टोरेंट में खाना अच्छा नहीं है, तो शायद हम उसके लिए फास्टिंग कर लेंगे, इस जगह ना खा के दूसरी जगह खा लेंगे। सेम वही चीज पानी के साथ में है, पानी के बिना भी हम कुछ टाइम रह सकते हैं। लेकिन अगर हवा के बारे में अगर बात की जाए तो हवा एक ऐसी चीज है कि शायद उसके बिना हम 2 सेकंड भी नहीं रह सकते। और दोस्तों इसके बारे में तो अभी आपको पता ही है, कोरोना में कितनी मारामारी हुई। तो ऑक्सीजन हमारे लिए यानी ये हवा हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों ये समझ लीजिए कि हमारा जो आस पास पास का जो वातावरण है, जो वायुमंडल है, जिस माहौल में हम रह रहे हैं, हमारे द्वारा कंज्यूम की गई एयर की क्वालिटी डिपेंड करती है इस बात के ऊपर कि हम किस माहौल में हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप कहीं, मान चलते हैं पार्क में हैं, तो वहां पे आप फ्रेश एयर का एहसास करते हैं। अगर मान लीजिए वहीं आप किसी एक हॉस्पिटल में हैं, तो वहां पर क्या होगा, वहां पे बहुत सारा मान लीजिए इन्फेक्शन होगा, तो उस माहौल में आप जो हवा कंज्यूम करेंगे वो इन्फेक्शन वाली होगी। हो सकता है किसी पब्लिक टॉयलेट में अगर आप जाते हैं, तो वहां पे आप देखते हैं कि वहां पे बस किसी तरह से खड़ा भी नहीं हो जा सकता। तो यानी कि जहां जहां पे हम होते हैं, वहां वहां पे जैसा माहौल होता है, वो माहौल या वो जो एटमोस्फेयर होता है, वो उस एटमोस्फेयर से डिसाइड होता है कि हम किस तरह की एयर को कंज्यूम कर रहे हैं। और दोस्तों जैसे पानी के बारे में अगर हम बात करें, तो मुश्किल से 2, 4, 5 लीटर पानी कोई भी व्यक्ति पीता है। तो अगर हम हवा के बारे में बात करें, तो फ्रेंड्स 11,000 लीटर हवा हम प्रतिदिन कंज्यूम करते हैं। दोस्तों अब ये जो 11,000 लीटर हवा है, ये डिसाइड करती है ये किस क्वालिटी की है, जिससे हमारे हेल्थ कैसी होगी ये डिसाइड करती है ये 11,000 लीटर हवा। जी दोस्तों, तो मैं समझता हूं, अगर मान लीजिए पानी अगर हम खराब पी लेते हैं, तो क्या होता है कि बंदे का जो है ना पेट में गुड़गुड़ होने शुरू हो जाती है, तो वो सोचता है यार शायद पानी गलत किया गया। तो अगर ऐसा ही कुछ होता हवा के बारे में कि कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता और 10 मिनट बाद वो मर जाता, तो शायद हर आदमी हवा के लिए भी उतना कॉन्शियस होता। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं कि आदमी दो जगह रहता है, आउटडोर में और इंडोर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा स्थान ज्यादा पॉल्यूटेड है। तो अगर हम आउटडोर की बात करें, तो आउटडोर में सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है, या मान लीजिए ऑटोमोबाइल से जो निकला हुआ पॉल्यूशन है, या मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपका कंस्ट्रक्शन डस्ट हो गई, तो ये मतलब कि दो तीन चीजें, इंडस्ट्रियल स्मोक हो गया, तो इस फैक्ट्री वगैरह का जो धुआं हो गया, वो जो पॉल्यूशन हो गया, सिर्फ ये होता है। लेकिन उसके साथ साथ आउटडोर के अंदर सनलाइट की कोई कमी नहीं होती है, वो सब जगह होती है। उसके साथ साथ वहां पे क्या होता है, एयर फ्लो होता है चारों तरफ, यानी कि हवा जो है आसानी से बह रही होती है। उसी तरफ दूसरी जगह अगर हम बात करें इंडोर्स की, तो इंडोर में क्या होता है कि इंडोर में सबसे बड़ा जो प्राइमरी कोज है, सबसे पहला जो कारण है पॉल्यूशन का, सबसे पहला कारण है पुअर वेंटिलेशन। आपने देखा होगा पहले जो हमारे घर बनते थे, उसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां, बड़े बड़े दरवाजे, और दरवाजे खुले होते थे, बगड़ होता था सामने, मतलब कि बहुत बड़ा ये मान लीजिए खुला
खुला खुला होता था, लेकिन आज की डेट में चूंकि सब एसी वाले रूम हैं तो वो शीशे जो विंडो में होते हैं वो भी ऐसे लग जाते हैं कि वो ओपन नहीं होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सेम उसी तरीके से तो अगर मान लीजिए आपने देखा होगा जैसे पानी जो बह रहा होता है, जो एक बहता हुआ पानी होता है और एक रुका हुआ पानी होता है, ठीक है, तो ज्यादा इंफेक्शन कहाँ पे होता है? जो पानी बहता होता है तो वो हमेशा शुद्ध होता है, और जो रुका हुआ पानी होता है उसमें कहीं ना कहीं बैक्टीरिया, वायरस और बहुत सारे इन्फेक्शन उसके अंदर होते हैं। तो दोस्तों सेम उसी तरह से जो हवा बह रही है यानी कि आउटडोर में, तो वहां पे जो है कंटेमिनेशन कम होगा, लेकिन जो हमारा इंडोर है, जो कि वहां पे एयर ब्लॉक हो चुकी है, तो वहां पे पॉल्यूशन के ज्यादा चांस हैं। जी दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहला कारण मैंने बताया पुअर वेंटिलेशन एंड लेक ऑफ सनलाइट, क्योंकि जब सनलाइट नहीं होती तो वहां पे बहुत सारा ये मान लीजिए घरों के अंदर सीलन आती है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे बेडरूम में या आपने दीवारों के ऊपर देखा होगा तो उसमें क्या होता है, सीलन रहती है, और उसकी सीलन जिस जिस जगह पे वो ज्यादा होती है तो वहां पे एक अलग से इन्फेक्शन होता है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बेडरूम की बात करें तो वहां पे हमारी जो डस्ट होती है या माइट होता है या इस तरह के जो इन्फेक्शन होते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं, वो वहां पे उसको पॉल्यूट करती हैं। उसके साथ साथ जिस टाइम पे घर की सफाई होती है तो हम सोचते हैं कि सफाई हो रही है, लेकिन दोस्तों दैट टाइम सबसे ज्यादा मोस्ट पॉल्यूटेड टाइम होता है वो, क्योंकि उस टाइम पे जितना भी मान लीजिए धूल मिट्टी होती है वो सारी की सारी हवा के अंदर घूम रही होती है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि शीशे से जब रोशनी आती है तो उस रोशनी के अंदर आपने देखा होगा कि कई बार जो है ना बहुत सारे धूल के मिट्टी के कण आपको उड़ते हुए मिलेंगे, तो वो जो कण उड़ते हुए मिलते हैं वो कहाँ जाते हैं दोस्तों? वो कहीं ना कहीं हमारे और आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर इंफेक्शन पैदा करते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर हम लेते हैं जो इंडोर के अंदर जो सेकेंडरी कॉज के अंदर जो सेकंड नंबर है वो है हमारे बाथरूम। पहले हमारे बाथरूम टॉयलेट क्या होते थे, वो घर के बहुत बाहर होते थे, लेकिन अब चूंकि स्थिति ऐसी है कि हमारे साथ में अटैच बाथरूम बन गया है, और जब वहां पे हम यूरिन पास करते हैं, फ्रेश होते हैं, तो दोस्तों उस टाइम पे बहुत सारा इन्फेक्शन, बहुत सारा माइक्रोब्स, बहुत सारा ये मान लीजिए जिसके अमोनिया जो जनरेट होता है, उसके जो टॉक्सिन्स होते हैं, उसके जो बैक्टीरिया होते हैं, वो वहां से घूम के हमारे बेडरूम में और हमारे पूरे घर के अंदर, हमारे जो घर का इंडोर हमारा जो वातावरण है तो उसको वो पोल्यूट करते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा जो लिविंग और एरिया होता है वहां पे अगर मान लीजिए कोई स्मोकिंग करता है या तंबाकू का जो सेवन करता है तो उसका भी पोल्यूशन होता है, प्लस वो भी पूरे घर में फैलता है। उसके साथ साथ आज हमारे पास इतने अच्छे अच्छे जो फर्नीचर्स हैं तो फर्नीचर की एक अलग स्मेल होती है, और उस फर्नीचर की स्मेल से भी बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, किसी को एलर्जी भी होती है, पेंट एलर्जी भी होती है। जैसे पहले क्या होता था, पहले हम दीवारों पे चूना लगाते थे तो जितना भी इन्फेक्शन बैक्टीरिया होता था वो चूना उसे खत्म कर देता था, लेकिन आज की डेट में ऐसे ऐसे पेंट चल रहे हैं जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन और ज्यादा, मतलब कि उनकी एक अलग से उसके अंदर से एक केमिकल प्रोड्यूस होता है, एक स्मेल अलग से प्रोड्यूस होती है जो हमारे इंडोर एरिया को पोल्यूट करती है। उसके साथ साथ दोस्तों आज मैंने देखा जो हमारे घरों के अंदर जो कारपेट बिछी हुई होती है लिविंग एरिया में, तो उस कारपेट को जब आप माइक्रोस्कोपिक कैमरे से देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारा इन्फेक्शन, बहुत सारा आपको बैक्टीरिया वहां पर रेंगता हुआ मिलेगा जी, और ये चीज आप अभी गूगल के ऊपर डाल के भी देख सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लिविंग एरिया को और हमारे घर को पोल्यूट करती हैं। उसके साथ साथ दोस्तों अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अगर कोई पेट पाला हुआ है, कोई कुत्ता बिल्ली या कुछ भी पाल रखा है, तो दोस्तों उसका जो सलाइवा होता है उसमें से एक अलग से स्मेल आती है, वो एक अलग से बैक्टीरिया होता है, पेट डेंडर होता है, प्लस उनके ऊपर जो कीड़े मकोड़े जो उनसे रिलेटेड होते हैं, जो उनकी स्मेल से पैदा होते हैं, वो भी हमारे इंडोर एरिया को पॉल्यूट करते हैं। और दोस्तों उसके साथ साथ होता है वायरस, जैसे कोई भी व्यक्ति जब आप कहीं बाहर जाते हैं और बाहर से जब घर में आते हैं तो आपने पता नहीं क्या क्या चीजों को छुआ होता है, और पता नहीं कहाँ कहाँ से आप होके आए हुए होते हैं, या कोई मेहमान या आपका कोई जान पहचान वाला आपके घर में आता है, आपके लिविंग रूम में आपके घर के अंदर आता है, और हो सकता है उसे कोई इन्फेक्शन डिजीज हो, तो वो भी अपना बहुत सारा वायरस छोड़ के जाता है। जैसे कि अगर कोई कैबिन है तो मैं ये मानता हूँ कि जो डॉक्टर का जो कैबिन है वो मोस्ट पॉल्यूटेड एरिया है, क्योंकि वहां पे सारे के सारे मरीज आते हैं और वो सारा अपने इन्फेक्शन वहां पे छोड़ के जाते हैं, तो डॉक्टर्स के लिए तो ये बहुत ज्यादा मस्ट है। उसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारी ऐसी साफ सफाई की चीजें हैं जो हमारे घरों में यूज होती हैं, वो क्या होती हैं, वो भी हमारे घरों के अंदर हमारे वातावरण को पोल्यूट करती हैं जी। जैसे कि मान लीजिए अगर कहीं पे कोई स्मेल आती है तो क्या होता है कि हम वहां पे कोई ऐसा रूम फ्रेशनर छिड़क देते हैं तो उससे क्या होता है, वो स्मेल आनी बंद हो जाती है, तो
तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या वो स्मेल जो आनी बंद हुई है, क्या वो स्मेल वहां पे खत्म हो गई? नहीं दोस्तों, वो वहां पे खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जिस इंटेंसिटी की वहां पे स्मेल थी, उससे ज्यादा इंटेंसिटी की हमें पसंद आने वाली स्मेल हमने वहां पे स्प्रे कर दिया है, वो हमें महसूस नहीं हो रही है, ठीक है। और जो हमने स्प्रे किया है वो भी कहीं ना कहीं केमिकल है। और फ्रेंड्स, उसके साथ साथ जो हमारा किचन है, किचन के अंदर बहुत सारा मान लीजिए केमिकल होता है, या बहुत सारे जो मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड वहां पे जब खाना बनाते हैं तब वहां पे पैदा होती है। और आप देखते हैं कि जहां पे जब वो खाना होता है तो उस खाने के साथ साथ भी वहां पे एक अलग से स्मेल वहां पे आनी शुरू हो जाती है, अगर रेगुलर साफ सफाई ना हो तो। तो ये इस तरह की ये सारी चीजें मिलके हमारे इंडोर एरिया को पोल्यूट करती है, यानी कि यहाँ पे ये प्रूव होता है कि इंडोर इज मोर पॉल्यूटेड कंपेयर विद आउटडोर। अभी आपको जैसे कि जब आप सोते हैं सुबह के टाइम, और जब भी गर्मियों में, और जब गर्मियों में उठने के बाद जब आप बालकनी में जाते हैं, तो आपको लगता है जैसे कि आप एक गैस के चैम्बर से निकल के बाहर आ गए, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीजें हमारी पॉल्यूशन हमें पॉल्यूट करती हैं। और जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक इमेज देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, एक वाटर का जो पाइप है, तो वाटर से वो कंटेमिनेट हो गया, वो अंदर से इस तरीके का हो रहा है। तो सेम इसी तरीके से ये जितना भी पॉल्यूशन मैंने यहाँ पे आपको स्लाइड पे दिखाया या आपको बताया, ये हमारी बॉडी का जो हमारा एयर वेज है उसको इफेक्ट करता है। जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक हेल्दी एयर वे है, और जो ये पार्टिकल्स जब हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे इस गले में से जब निकलते हैं, तो हमारा जो एयर वे है इसको ये इन्फ्लामेट कर देता है, यानी कि यहाँ पे ये इन्फेक्शन पैदा कर देता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे सूजन वगैरह आ जाती है। तो दोस्तों, जब ये हवा यहाँ से जाती है, तो सबसे पहले हमारे नोज को, इसके बाद हमारे गले को, उसके बाद हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी ये इन्फेक्ट करता है। तो जितना भी पॉल्यूटेंट जाता है, ये हमारी बॉडी को इस तरह से नुकसान पहुंचाता है। और फ्रेंड्स, इसके अंदर बहुत सारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिजीज हमें मिलती हैं, और ये हमारे एयर पाइप को तो डैमेज करते ही हैं। जैसे कि इसकी जो शुरुआत होती है, किसी को साइनसाइटिस होता है, वीजिंग होती है, एलर्जी होती है, ठीक है, और कफ हो जाता है, फ्लू हो जाता है, और अस्थमा वाले के लिए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है दोस्तों। तो अगर मान लीजिए कोई अस्थमा का पेशेंट है और इस तरह के माहौल में वो रह रहा है, तो उसे पता ही नहीं है, वो सिर्फ दवाई खा रहा है और पंप ले रहा है, उसे पता ही नहीं है कि ये तेरी प्रॉब्लम, अगर ये सारे के सारे जो कंटेमिनेशन है, ये सारा पॉल्यूशन अगर खत्म कर दिया जाए, तो 50% तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। और दोस्तों, आगे चल के इसके इनडायरेक्ट जो इफेक्ट हमारी बॉडी के अंदर पड़ते हैं, तो ज्यादातर लोगों के सर में दर्द रहता है, ठीक है जी, और जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता, बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल इश्यू होते हैं, हार्ट डिजीज होती है, डिजीनेस रहती है, इवन कैंसर तक का कारण बनता है पॉल्यूशन। जी दोस्तों, और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स है, इवन डेथ तक के जो परसेंटेज है इंडिया के अंदर, लगभग 20% जो डेथ हैं वो आज सिर्फ और सिर्फ एयर पॉल्यूशन की वजह से हो रही है। तो फ्रेंड्स, और उसके साथ साथ यहाँ पे जैसे बताया ही है आपको कि हाउ इज पॉल्यूटेड एयर अफेक्टिंग अस, किस तरह से हमें पॉल्यूट अफेक्ट करती है, जैसे साइनसाइटिस हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, शुरुआत साइनसाइटिस से होती है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस से होती है, कॉमन फ्लू से होती है, उसके बाद में कोल्ड कफ, फिर उसके बाद थ्रोट इन्फेक्शन, फिर उसके बाद में ब्रोंकाइटिस, फिर उसके बाद में ये पुमोनिया होता है, H1N1, H5N1, ठीक है, अस्थमा, एलर्जी, यानी कि अंदर तक का जो एरिया है, ये धीरे धीरे ये जो छोटी छोटी नसें हो जाती हैं यहाँ पे, ये सारी ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये सब कुछ अच्छी चीज नहीं है, तो अब इस चीजों का सॉल्यूशन क्या है? तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके समाधान के बारे में, यानी किसी भी तरीके से मेरा आपसे एक अनुरोध है, प्लीज मुझे, आपको मेरे सवाल का जवाब लिखिएगा, मैं चैट बॉक्स में आपके सवाल का, मैं अपने सवाल के जवाब को पूछूंगा कि अगर जितना भी ये कंटेमिनेशन है, जितना भी पोल्यूशन है, अगर इसको 50% अगर कम कर दिया जाए, अगर 50% कम कर दिया जाए, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स, जितनी भी बीमारियां मैंने बताई हैं, क्या आप मानते हैं कि ये भी लगभग 50% कम हो जाएंगी? अगर ये 50% कम हो जाएंगी, मैं चैट बॉक्स में आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ, तो अगर ये कम हो जाएंगी, तो यानी कि लेस पॉल्यूटेंट एंड एंटरिंग द बॉडी, यानी कि बहुत कम पॉल्यूटेंट हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, उसके साथ साथ जब वो पोल्यूटेंट कम जाएगा, तो हमारा जो एयर वे इन्फ्लामेशन है, जो हमारी गले की सूजन है, ये क्या होगा, ये भी बहुत कम होगी। उसके साथ साथ क्या होगा, जो रिपीटेड सिकनेस हमारी बीमारी हमें हो रही है, खासकर बच्चों को, महिलाओं को और बुजुर्गों को, जिनका ये मान लीजिए कि
इंटरनल ऑर्गन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, उन लोगों के लिए तो और भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो 50% अगर मान लीजिए हम ये कंटेमिनेशन अपना पॉल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं, तो ये 50% हमारी बीमारियां कम से कम कम हो जाएंगी। अब ये 50% रिड्यूस कैसे हो सकती हैं, क्योंकि दोस्तों अगर हम देखें तो लगभग हर एक व्यक्ति कम से कम 70 to 80% 90% इंडोर्स में गुजारता है, 10 से 20% या 30% ही वो आउटडोर में रहता है। तो आपने देखना है कि आप मैक्सिमम कौन सी ऐसी जगह है जहां पे आप ज्यादा टाइम रहते हैं, ठीक है, और वहां पे जब आप रहते हैं तो वहां पे आप इस एयर प्यूरिफायर को यूज कर सकते हैं, जो कि शार्क कंपनी का, हमारा जो शार्क 110 साल पुरानी कंपनी है उसका एयर प्यूरिफायर है। तो हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो जहां पे आप सबसे ज्यादा समय आप गुजारते हैं वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं, उस रूम को या उस जगह को 4 से 5 घंटे तक आप इसको वेंटिलेट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ 12 से 15 घंटे इवन 24 घंटे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसको जो चलाते हैं तो ये मात्र जो छोटा सा बल्ब होता है, 1 0 वाट का बल्ब होता है, उसके बराबर ये आपकी लाइट कंजप्शन करता है, ठीक है दोस्तों। और इसका जो फिल्टर है वो लगभग 1.5 से 2 साल बाद इसका चेंज होता है, लेकिन ये आपके घर की हवा को बिल्कुल साफ सुथरा रखता है। अब ये किस तरीके से साफ सुथरा रखता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पैसिव हेपा कार्बन फिल्टर, यानी कि इसके अंदर सबसे पहले आपको 3 फिल्टर मिलेंगे। सबसे पहला हमारा है प्री फिल्टर। ये जो प्री फिल्टर है ये हमारे जो 10 माइक्रोन, यानी कि जो धूल मिट्टी आपको धूप के अंदर कण जो दिखते हैं, उन वो 10 माइक्रोन के कण होते हैं, ये हमारा जो प्री फिल्टर, जहां पे ये आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये उन सबको अपने पास रोक लेता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो बीच में आपको दिख रहा है ये है कार्बन फिल्टर। ये जितनी भी गैस है या जितना भी धुआं है उस सबको ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको बाहर से खत्म कर देता है और एक फ्रेश एयर निकालता है। इवन जितना भी मान लीजिए स्मेल, कहीं से भी कोई स्मेल बदबू कोई भी आपके घर में अगर है तो ये उसको भी खत्म कर देता है। उसके साथ साथ फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पे हमारा आता है हैपा फिल्टर। हैपा फिल्टर का मतलब होता है हाई एफिशिएंसी पार्टिकल अरेस्टर, यानी कि ये 99.97, यानी कि जो धुएं या जो टीनी पार्टिकल होते हैं, जो 0.03 माइक्रोन के जो पार्टिकल होते हैं उनको भी ये अपने अंदर जब्त कर लेता है, उनको भी खत्म कर देता है। अर्थात 0.3 माइक्रोन कितना बड़ा साइज होता है दोस्तों, हमारा जो हेयर है देखिए आप कितना पतला है, ये लगभग 60 से 80 माइक्रोन का होता है, और ये 0.3 माइक्रोन यानी कि हमारे बाल के 70वें हिस्से के बराबर जो पार्टिकल होगा उस पार्टिकल को भी ये इसके अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें फ्रेश एयर देता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तीन तीन फिल्टर से निकल के ये हवा निकलती है, और जो वो निकलती है वो इस तरीके से हमें एक साफ सुथरा माहौल देती है। जी दोस्तों, उसके साथ साथ दोस्तों इसकी जो एडवांटेजेस हैं वो क्या है, ये लार्ज सरफेस एरिया मींस बेटर एफिशिएंसी। मार्केट के अंदर जितने भी आज की डेट में एयर प्यूरिफायर हैं, कोई कहेगा जी मेरा 10,000 का, कोई 5,000 का, तो मेन चीज एयर प्यूरिफायर के अंदर जो उसका फिल्टर होता है हैपा फिल्टर, उसकी जो लंबाई और चौड़ाई होती है उससे डिसाइड होता है कि वो कितने एरिए को क्लीन करेगा या कितने एरिया के लिए वो है। तो दोस्तों जो सरफेस एरिया हमारे हैपा फिल्टर का है इसका 1/4 या मुश्किल से आधा भी शायद नहीं है मार्केट के अंदर। इसका जो क्लीन एयर डिलीवरी रेट है वो हाईएस्ट है। उसके साथ साथ दोस्तों ब्रिटिश एलर्जी फाउंडेशन सील ऑफ अप्रूवल, ये जो आप येलो कलर का जो यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये एक अप्रूवल ब्रिटिश एलर्जी फाउंडेशन से हमें मिला हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इस तरीके से पैसिव तरीके से काम करता है, ये जितनी भी हवा होती है उसको एक साइड से लेता है और ऊपर की तरफ जो इसका एक निशान होता है वहां से इस हवा को निकालता है फ्रेश करके, जितना भी डस्ट माइट पार्टिकल जितना भी होता है सब कुछ उसको निकालता है। चलिए हम एक इसको आपको एक डेमो दिखाएंगे। डेमो क्या है, ये एक ऐसा डेमो है जिसके अंदर एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर पूरा का पूरा हमने धुआं कर दिया है और ये धुएं को किस तरह से साफ करते हैं, अभी इसके अंदर बॉक्स के अंदर धुआं है, अभी इसके अंदर एयर प्यूरिफायर रखा हुआ है, और अभी एयर प्यूरिफायर हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, और स्टार्ट करते ही आप देखोगे जैसे इसको स्टार्ट किया इसने सारा का सारा जो धुआं था ये सारा का सारा अपने अंदर ले लिया और ऊपर फ्रेश एयर उसको छोड़ दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो सेम इसी तरीके से जितना भी धुएं से रिलेटेड इन्फेक्शन है, पॉल्यूशन है, खत्म करता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके साथ साथ दोस्तों
इसके अंदर एक दूसरी नई टेक्नोलॉजी है, ये जो चीज मैंने बताई, हो सकता है ये मार्केट के बहुत सारे एयर प्यूरिफायर्स में हो, लेकिन दोस्तों हमारा जो एयर प्यूरिफायर है ये पैसिव के साथ साथ एक्टिव मोड में भी काम करता है, यानी कि अपने अंदर से बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस निकालता है जो कहीं पे भी कोई भी बैक्टीरिया, इन्फेक्शन, वायरस या कोई स्मेल कुछ भी होता है, कोई टॉक्सिक गैस है, उसके पास जाके उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। जी दोस्तों, वो किस तरीके से करता है, ये आपके घर के अंदर, जैसे कि आप नेचर देखते हैं तो नेचर के अंदर क्या होता है कि वहां पे जब आप किसी घने जंगल में जाते हैं तो गहरी सांस लेते हैं तो बड़ा अच्छा फील होता है। तो सेम फ्रेंड्स, इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन होते हैं जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर एक में, ये जो अपने अंदर से निकालता है, जैसे वाटर वेपर यानी कि H2O के साथ मिलके ये यहाँ पे इसको फ्रेश एयर जनरेट कर देता है, प्लाज्मा क्लस्टर के साथ मिलके फ्रेश एयर में जनरेट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए न्यूट्रलाइज हार्मफुल VOC एंड अदर टॉक्सिक गैसेज, इसको किस तरह से खत्म करता है, प्लाज्मा आयन सराउंडेड डैम, यानी कि वो जो टॉक्सिक गैस का जो कण है उसके चारों तरफ प्लाज्मा क्लस्टर आयन, जो हमारे जो ये एयर प्यूरिफायर है जो ये अपने अंदर से बाहर निकाल रहा है, ये उसके चारों तरफ चले जाते हैं। ठीक है, इट ब्रेक टॉक्सिक गैस एंड प्रोड्यूस हार्मलेस गैसेज, यानी कि उसका जो अंदर का जो प्रोटीन होता है उसको वो खत्म कर देते हैं और हार्मलेस गैस के रूप में उसे निकाल देते हैं। उदाहरण के तौर पे अमोनिया NH3, NH3 के साथ में जब ये पार्टिकल अटैच होता है तो उसके H3 को काट के, यानी कि उसे नाइट्रोजन को वायुमंडल में भेज देता है और उसको H2O यानी कि जो एक फ्रेशनेस, जो फ्रेश एयर होती है उसमें तब्दील कर देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं अभी आपको एक एमोनिया का डेमो दिखाऊंगा, यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगेन अब हम आपको एक डेमो दिखाएंगे अमोनिया का। अमोनिया क्या होता है? अमोनिया जब आप, क्योंकि आजकल अटैच लेटरिन बाथरूम है तो आप देखते हैं जब भी हम यूरिन पास करते हैं तो वहां पे जो स्मेल होती है वो अमोनिया की स्मेल होती है। तो अभी हमने इस बोतल में से थोड़ा सा इसके अंदर ये अमोनिया लिया है और मैं ये अमोनिया आपके सामने एक टिश्यू पेपर के ऊपर थोड़ा सा डालूंगा। वो थोड़ा ज्यादा डल गया, कोई बात नहीं। चलिए, मैंने इसके ऊपर डाला है और यहाँ पर मैं अपनी छोटी सिस्टर पारुल को इनवाइट करूंगा, वो आएगी। और थोड़ा सा सावधानी से, मतलब दूर से इसको स्मेल करना है। बहुत ज्यादा तीखी है। चलो, तो अभी हम देखते हैं कि ये इसको किस तरह से न्यूट्रलाइज करता है। जिस तरह से अभी मैं आपको प्रेजेंटेशन के अंदर इसके फार्मूले दिखा रहा था, तो फार्मूला तो आपका थ्योरी है लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकली हम आपको दिखाएंगे कि ये इसके ऊपर किस तरीके से काम करता है। तो थोड़ी देर के लिए हमने इसको इसके ऊपर रखना है और इसके ऊपर तो रख के इसलिए दिखा रहे हैं कि ये इंस्टेंट आपको एकदम से रिजल्ट दिख जाए, नहीं तो जो इसके आयन्स होंगे नेगेटिव और पॉजिटिव आयन, ये आपके पूरे घर में घूमेंगे और जहां कहीं भी स्मेल होगी या आपका जहां पे भी कुछ भी इस तरह का टॉक्सिन होगा, टॉक्सिक स्मेल होगी, तो ये उसको भी खत्म करेगा। तो अभी हमने इसको रखा, अब इसको दोबारा से एक बार स्मेल इसकी स्मेल लगभग खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो पहले स्मेल थी बोलते थे लग रहा था, अब ना के बराबर जी। तो थैंक यू वेरी मच। तो ये इस तरीके से अमोनिया की स्मेल को भी खत्म करता है। चलिए, गुड मॉर्निंग। चलिए फ्रेंड्स, एक डेमो और दिखाते हैं आपको, करेंसी नोट यानी कि जो स्मेल है, जो पुरानी जो करेंसी होती है, पता नहीं किस किस की पॉकेट में से वो आता है और बहुत गंदी स्मेल होती है कई बार नोट की, सूंघना तो खैर दूर की बात है, उसे पर्स में भी पता नहीं किस से हम रखते हैं। तो अभी हम इसके ऊपर एक डेमो करेंगे और इसको आप अपने घर में भी करके देख सकते हैं। जी चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट डेमो हम दिखाते हैं आपको करेंसी नोट के ऊपर, क्योंकि करेंसी नोट पता नहीं कहाँ कहाँ से होकर आता है और बहुत सारे लोग की पॉकेट में रहता है, पसीने की बदबू सारी चीजें इसमें होती हैं। तो मैं इसको बताने के लिए इनवाइट करूंगा अपनी छोटी सिस्टर को। एक मिनट, इसको स्मेल कर, इसमें से स्मेल आ रही है। हाँ, तो इसको भी हम एयर प्यूरिफायर के ऊपर रखते हैं और इसको ज्यादा देर नहीं रखना, सिर्फ थोड़ी ही देर रखना है।
ये डेमो इसलिए नहीं दिखा रहे कि आपके करेंसी नोट से स्मेल खत्म होनी है, ये डेमो इसलिए दिखा रहे हैं कि आपके घर के अंदर बॉडी में या कहीं पे भी कहीं से भी कोई भी स्मेल प्रोड्यूस हो रही है, तो ये उस स्मेल को इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है, जो प्लाज्मा क्लस्टर आयन है, ये वहीं पे जाके उसको खत्म करते हैं जी। अब इसके अब इसमें स्मेल बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से ये किसी भी तरह की स्मेल्स को न्यूट्रलाइज करता है हमारा शार्प एयर फिल्टर। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू। फ्रेंड्स अभी आपने देखा कि अमोनिया की स्मेल को भी खत्म किया इसने, सेम इसी तरीके से आपके नोट की स्मेल को खत्म किया, ठीक है। तो अब तीसरे नंबर पे जो हमारा प्लाज्मा क्लस्टर एंड टेक्नोलॉजी है, ये क्या काम करता है? ये किल माइक्रोब्स एंड अदर कॉन्टेजियस एलिमेंट्स, यानी कि जो माइक्रोब्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं जैसे ई कोली हो गया, H1N1 हो गया, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया हो गया, फंगल स्पॉर्स हो गया, इवन कोरोना वायरस तक की रिपोर्ट्स हमारे पास आ चुकी हैं, जो कि अभी मैं आगे स्लाइड में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। वैसे तो इन बैक्टीरिया को, इस तरह के वायरस को खत्म करने के लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं सर्टिफाइड बाय 32 ग्लोबल लेबोरेटरीज, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इंटरनेशनल लेवल की जो ग्लोबल लेबोरेटरीज हैं वो, क्योंकि जो माइक्रोब्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक कैमरे से देखे जाते हैं, वो लेबोरेटरीज में ही होते हैं, तो वो माइक्रोस्कोपिक कॉपिक कैमरा तो कोई लेके नहीं बैठा हुआ है, तो उन सब ग्लोबल लेबोरेटरीज की जो ऑथेंटिक हैं, उसमें हमारे इंडिया से, इंडिया में भी हैं, जापान की हैं और बहुत बड़े बड़े कंट्रीज की हैं, तो वो सारे सर्टिफिकेट हमारे पास में हैं। उसका जो लिंक है, मैं अपने लिंक में वो सारे के सारे सर्टिफिकेट की PDF आपको दे दूंगा, आप वो आराम से घर पर बैठ के चेक कर सकते हैं। तो ये इस माइक्रोब्स को किस तरह से खत्म करता है? तो दोस्तों जो ये माइक्रोब होता है, जो वायरस होता है, तो इसका यहाँ पे क्या होता है, इसका प्रोटीन होता है, ठीक है। और ये प्रोटीन क्या होता है, इसके चारों तरफ ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयन इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, और घेरने के बाद इस प्रोटीन को, जो इसका प्रोटीन होता है वायरस का, जो इसकी जान होता है, ये उसे खत्म कर देता है। वहां पे क्या होता है, प्रोटीन की जगह हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, और ये यहाँ पर हमारा जो वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, कुछ भी होता है, वो सब कुछ खत्म हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये एक तरीके से क्या करेगा, जितना भी एयर के अंदर ये बैक्टीरिया है, क्योंकि इनका जो साइज होता है ये 0.5 माइक्रोन से बहुत कम होता है, 0.5 माइक्रोन से ऊपर के साइज के जितने भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो कभी भी हवा में उड़ नहीं सकते, वो हमेशा जमीन पर रहते हैं। लेकिन 0.5 माइक्रोन से कम के जितने भी वायरस, बैक्टीरिया, इन्फेक्शन होते हैं वो हमेशा हवा में घूमते रहते हैं। तो दोस्तों इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है, जो हमारे प्लाज्मा क्लस्टर जो शार्प एयर प्यूरिफायर से बाहर निकलते हैं, तो एयर के अंदर जितना भी वायरस है, बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन है, तो ये जो फार्मूला दिखा है उस फार्मूले से उन सबको भी खत्म करता है। चलिए प्लाज्मा क्लस्टर टेस्ट ऑन वायरस इन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, लंदन यूनिवर्सिटी का एक डेमो है, यहाँ पर आपको दिखाएंगे और इसको आपने बड़े ध्यान से सुनना है जी दोस्तों। इसको आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छे से डिटेल में। Here in Great Britain is the University of London. A new beneficial experiment into plasma cluster ions was run by the company Retroscreen Virology Limited at this university. Directing the experiment was the international authority in virus research, Dr. John Oxford. I'm John Oxford. I'm Professor of Virology at the Queen Mary School of Medicine, the University of London, and Scientific Director of Retroscreen Virology Limited. Well, now we are repeating the experiments with virus potential inactivation, and we're using a more powerful ionizer. This emits 50,000 ions per centimeter cubed, and we're hoping to achieve even more inactivation of virus. The experiment is carried out using a 1 meter cubed box. First, virus solution is sprayed from the top surface of the box. Within the box, an ion generator is producing plasma cluster ions. The suspended viruses are gathered at fixed intervals into a solution by a trumpet-shaped collection device. On the right is a virus solution affected by the ions. On the left is a virus solution not affected by the ions.
Each virus is introduced to MDCK cells and the response awaited. Here is the mechanism by which the plasma cluster ion degrades and removes the viruses. The ion generator produces positive and negative ions from air moisture through plasma electrical discharge. In the same way as ions existing in nature, plasma cluster ions are very stable when included in water molecules, and high concentration is possible in our living spaces. When two ions stick to the surface of a virus, they transform into a highly oxidizing OH radical and draw out the hydrogen from the protein of the... ध्यान से देखिएगा, जो मैंने आपसे बताया था कि जो OH रेडिकल है, ये जो वायरस का जो प्रोटीन होता है उसको किस तरीके से खत्म करता है, ये वीडियो उसके ऊपर है। ध्यान से देखिएगा आप एक बार। Spike-shaped virus. OH radicals exert the strongest attractive force on hydrogen out of all the oxides. Protein from which hydrogen has been taken is degraded and the OH radical returns to water. This sequence is performed in an instant, completely removing the virus. इस तरीके से ये सारा वायरस खत्म हो जाता है। 3 days after introducing the virus into the cell, the reaction is analyzed under a microscope. The cells introduced to the virus not exposed to the ions gradually degrade. ये देख रहे हैं जहां पे आयंस का यूज नहीं किया गया। Whereas the cells introduced to the virus exposed to the ions exhibit almost no change and maintain a normal condition. वहां पर बैक्टीरिया पैदा हो गए हैं और दूसरी तरफ वो जो को तो वैसे This के वैसे ही है। This proves the virus is removed by plasma cluster ions. This kind of experiment is repeated many times over in order to verify the virus removal efficiency. The result verified is that high concentration plasma cluster ions can remove 99% of the virus in a 1 meter cubed space. Now, with that degree of inactivation, I think one can begin to think clearly about how to apply this sort of technology in practice, in doctor surgeries, in waiting rooms, in people's homes, and that sort of application pleases me quite a lot. These ions inactivate or react with the surface of the virus and cause change on the surface of viruses and thereby help destroy the virus. That's quite a good method of action. And so given all that, this sort of technology I think will give us some reassurance that we'd have a piece of kit, as it were, that could be used not only against viruses we know about, but viruses that could appear in the future. Progressing further, plasma cluster technology. Just one of many health and environmental technologies by Sharp. फ्रेंड्स, और सबसे बड़ी मजे की बात है और प्राउड की बात यह है कि दोस्तों, ये जो प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है, ये हमारी पेटेंट टेक्नोलॉजी है। दुनिया के अंदर जितने भी एयर प्यूरिफायर हैं, वो एक तरह से एज ए वैक्यूम क्लीनर काम करते हैं, यानी कि पैसिव मोड में काम करते हैं, यानी कि अपने अंदर हवा खींचते हैं और साफ हवा को बाहर फेंकते हैं। तो दोस्तों, वो काम हमारा एयर प्यूरिफायर भी करता है, उनसे बेहतर करता है। लेकिन दोस्तों, उसके साथ में जो सबसे बड़ी जो चीज है, जो सबसे बड़ी जीत हमारे पास है, वो है प्लाज्मा क्लस्टर एंड टेक्नोलॉजी। और दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी हमारी पेटेंट टेक्नोलॉजी है, जो वर्ल्ड में कोई दूसरी कंपनी इसको यूज नहीं कर सकती। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद में फोर्थ नंबर के पॉइंट पर हम बात करते हैं, रिमूव्स स्टैटिक चार्ज। दोस्तों, कई बार आपने महसूस किया होगा कि आप जा रहे हैं और आपने किसी से हैंड शेक किया तो आपने देखा कि उस व्यक्ति ने आपको करंट मारा, ठीक है। तो या मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल को दरवाजा, गाड़ी का दरवाजा खोला तब आपको करंट लगा, या कहीं पे आपने नल की टोंटी पे हाथ लगाया तो आपको करंट लगा। तो ये क्या हुआ, ये दरअसल दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर एक स्टैटिक चार्ज होता है, जो इनबिल्ट होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो दोस्तों, ये उस स्टैटिक चार्ज को भी खत्म कर देता है। और ये स्टैटिक चार्ज हमें परेशान कब करता है,
क्योंकि मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा अभी, पहले पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसके बारे में बात करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी आज हम आपको दिखाएंगे हमारा जो शार्क का एयर प्यूरिफायर है, ये स्टैटिक चार्ज को कैसे खत्म करता है, ठीक है। तो या तो हम आप अपने घर पर पंखा ले सकते हैं, या पीटा, जैसे बचपन में आपने देखा होगा कि जब हम पीटे को इस तरीके से करते थे तो क्या होता था कि ये पेपर के ऊपर जब हम रखते थे तो क्या होता था, वो पेपर जो है उसके ऊपर चिपक जाता था, आप देख रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यानी कि इसके इसके अंदर क्या होता था, स्टैटिक चार्ज जनरेट हो जाता था। अब ये हमारा जो एयर प्यूरिफायर है, इसको मैं दोबारा से रव कर रहा हूँ, और इसको मैंने अपने एयर प्यूरिफायर के ऊपर रखा, और रखने के बाद फिर मैं जब इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो आप देख रहे हैं इसने इसके 100% इसका स्टैटिक चार्ज खत्म कर दिया। अगेन मैं दोबारा से इस डेमो को करके दिखा सकता हूँ, जैसे कि हमने ये किया और दोबारा से लेके गए तो ये पेपर चिपक गए, और अभी मैं इसी को ही जो को तो बिना सर पे लगाए यहाँ पे मैंने इसको रखा, और रखने के बाद फिर मैं इसके ऊपर लेकर आया तो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल भी इस पर चिपक नहीं रहे। तो सेम इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी स्टैटिक चार्ज होता है, तो ये उसको भी खत्म करता है। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल। चलिए फ्रेंड्स, अभी जो स्टैटिक चार्ज की बात हुई, तो ये जिस तरह से जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हमारे घरों के अंदर होते हैं तो सब के अंदर स्टैटिक चार्ज होता है। स्टैटिक चार्ज का मतलब क्या होता है कि पॉइंट जो 0.05 माइक्रोन के जितने भी 0.5 माइक्रोन के जितने भी पार्टिकल होते हैं, जो भी PM2.5 पार्टिकल होते हैं, वो सारे पार्टिकल्स को अपनी ओर खींचते हैं, ठीक है दोस्तों। जिस तरह से अभी ये पार्टिकल्स को आपको खींचते हुए दिखाया गया एक पेपर के रूप में, और जब आप सोते हैं तो जिस तकिए के ऊपर हम सब सर रख के सोते हैं तो वहां पे क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टैटिक चार्ज वहां पे डेवलप होता है, और जितना भी पूरे कमरे का पोल्यूशन होता है वो सारा का सारा उसको अपनी तरफ खींचता है, और वहां पे हमारा सर होता है और वहां पे हम होते हैं, और वो सारा पोल्यूशन हमारे अंदर जाता है। तो दोस्तों, इसका सबसे जबरदस्त मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखाई दिया, बाकी इस पे इक्वेशन लिखी हुई है, इसकी जो केमिकल इक्वेशन है किस तरीके से ये हमारे सरफेस से इलेक्ट्रिक चार्ज को खत्म करता है। तो दोस्तों, जो करंट लगने वाली समस्या है, अगर आप इसको अपने घर में लगाते हैं तो वो भी आपकी खत्म हो जाएगी दोस्तों। उसी के साथ साथ हाइड्रेट स्किन, यानी कि जो हमारी स्किन के ऊपर रिंकल्स होते हैं या स्किन से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी इंफेक्शन डिजीज होती हैं, वो कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन से या जो बैक्टीरियल इंफेक्शन है, ठीक है, या फंगल इंफेक्शन है, उनसे होती है, तो ये उसको भी खत्म करता है। ये फार्मूला आपने देखा है, ये नीचे लिखा हुआ है। गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से एयर प्यूरिफायर हमारी एक्टिव और पैसिव दोनों तरीके से हमारी हेल्प करता है, ठीक है। हाउ डू वी नो वेदर एयर प्यूरिफायर इज वर्किंग, ठीक है, इस कैसे पता चलेगा कि ये एयर प्यूरिफायर वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा, रिड्यूस एलर्जी अस्थमा सिम्टम एंड मेडिकेशन बाई 50% विद इन 7 to 10 days, ये BAF, ये ब्रिटिश एलर्जी फाउंडेशन सील ऑफ अप्रूवल हमें मिला हुआ है, यानी कि ये ब्रिटेन की बहुत बड़ी एक लैब है, वहां का सर्टिफिकेट हमारे पास है, बाकी आप खुद फील करते हैं, यानी कि 7 से 10 दिन के अंदर जितने भी अस्थमा या एलर्जी के जितने भी सिम्टम होते हैं उनको ये 50% रिड्यूस कर देगा। तो आप अभी सवाल यही है ना कि कैसे पता चलेगा। नंबर दो, रिड्यूस मॉर्निंग एलर्जी एंड शॉर्ट थॉट विद इन 3 to 4 days, यानी कि 3 से 4 दिन के अंदर जो आपकी गले से संबंधित जो समस्या है, खराश है, या मान लीजिए एलर्जी है, ठीक है जी, तो उसको भी ये खत्म कर देगा। यानी कि जब आप देखते हैं कि कुछ लोगों को एसी में सोने के बाद सुबह के टाइम हेडेक होता है, तो ये वो भी नहीं होगा उसका जी। चिल्ड्रन एंड न्यू बॉर्न सिकनेस कॉल्ड इंटेंस कैन बी रिड्यूस्ड बाय 50% इन ए ईयर, यानी कि जो बच्चे बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं तो उनका जो बीमारी की जो ड्यूरेशन है उसको 50% बढ़ा देगा, यानी कि जितना बीमार वो पड़े हैं पिछले साल उससे 50% कम पड़ेंगे। ब्रीदिंग विल बी लाइटर एंड ईजियर विद इन 48 आवर ऑफ यूजेज, यानी कि जब आप इसके अंदर सांस लेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि आप बहुत हल्का फील कर रहे हैं और आप किसी घने जंगल में जाके वहां पे सांस ले रहे हैं। उसके साथ साथ हु विल बेनिफिट फ्रॉम एयर प्योर वॉच, किसको सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है, तो दोस्तों सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है जो फर्स्ट नंबर पे जो अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं। तो जितने भी आपके अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं आप उनको टारगेट कर सकते हैं, उनको इस वीडियो को आप दिखा सकते हैं, ये मेरे चैनल पे आपको मिलेगी। उसके साथ साथ उनसे डायरेक्ट भी हम मुलाकात करके उनको इसके बारे में बता सकते हैं। नंबर दो, पेट ओनर,
क्योंकि जो पेट हैं उनसे हमें प्यार है, उन्हें तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन उनका जो वायरस इन्फेक्शन जो हमारे घर के अंदर फैल रहा है, उनकी जो स्मेल है, क्योंकि पेट ओनर को कभी भी वो स्मेल नहीं आती, लेकिन जब कोई बाहर से पेट ओनर के घर में जाता है तो उसको एक अलग स्मेल महसूस होती है। तो दोस्तों जैसे मच्छी बाजार में मछली की स्मेल नहीं आती उस व्यक्ति को, तो इस तरीके से ये जो है यहाँ पे पेट की जो स्मेल होती है उसको भी खत्म करता है। ठीक है, पीपल विद ईएनटी एंड लंग एलमेंट्स, यानी कि जिनके ईएनटी से रिलेटेड या लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत बढ़िया है। सेकेंड हैंड स्मोकर, यानी कि वो स्मोक नहीं करते हैं लेकिन उनके साथ में कोई ना कोई ऐसा हो जो स्मोक करता है, उसके साथ साथ आईटी सर्वर रूम, जितना भी आईटी से रिलेटेड, यानी कि जो फॉर एग्जांपल लैपटॉप हो गया, या मान लीजिए बहुत सारी वहाँ पे बैटरी रखे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ से एक अलग से ओजोन गैस रिड्यूस निकलती है, तो उसको भी ये खत्म करता है। न्यू बॉर्न बेबी, अभी मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने कहा जी न्यू बॉर्न बेबी के अगर रूम में लगा दिया तो उसको तो ये विकसित ही नहीं होने देने का। नहीं दोस्तों, अब ये बताइए ना कि अगर मान लीजिए जो इफेक्ट जो उसके न्यू बॉर्न बेबी के रूम में, अगर वहां पे एयर प्यूरिफायर है तो यानी कि जो पोल्यूशन है वो पोल्यूशन मान लीजिए वहां पे जीरो हो गया, क्योंकि तो जब रेगुलर वहां पे चलेगा तो पोल्यूशन जीरो हो जाएगा, तो जो पोल्यूशन वाला जो माहौल है वो उसको ज्यादा फायदा देगा, या जो फ्रेश और क्लीन एयर है जिसके अंदर पॉल्यूशन नहीं है वो ज्यादा फायदा देगी। बिल्कुल सही बात है, जो फ्रेश और क्लीन एयर है वो इसके इम्यूनिटी को और इस सिस्टम को ज्यादा इंक्रीज करेगी, ज्यादा अच्छा करेगी। बाकी जो हेल्दी पीपल हैं उनके लिए भी है, क्योंकि हेल्दी पीपल को ये हमेशा रखेगा हेल्दी। तो दोस्तों ये हमारा एयर प्यूरिफायर था, उसके साथ साथ हमने यहाँ पे कार के भी एयर प्यूरिफायर लॉन्च किए हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक तो कार के अंदर जो डस्ट वगैरह जो होती है उसको खत्म कर देता है, प्लस गाड़ी के अंदर बहुत सारे लोगों को कुछ वॉमिटिंग वगैरह होती है, तो चूंकि वो वही की जो हवा होती है एसी उसी हवा को घुमाता रहता है, तो उसी इन्फेक्शन को घुमाता रहता है, इसलिए उसको वॉमिटिंग महसूस होती है, तो वॉमिटिंग भी उसको नहीं होगी। और ये बहुत अच्छा है, पोर्टेबल है, इसको जहाँ पे आप लैपटॉप वगैरह रखा है उसके यूएसबी से भी कनेक्ट करके इसको चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके कुछ सर्टिफिकेट्स की। तो दोस्तों सबसे पहला जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आईआईटी, यानी कि हमारे इंडिया की सबसे बड़ी संस्था है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। ये दिल्ली का हमारे पास में ये प्रमाण पत्र है, जो कि वहाँ के बहुत ही बड़े बड़े असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि एक डॉक्टर साई के ये हैं यहाँ पे, सेंट्रल बायो एटमोस्फेरिक साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि वहां का ये सर्टिफिकेट। और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये विदाउट प्लाज्मा क्लस्टर है, ये मान लीजिए यहाँ पे 100% ये बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन है अलग अलग नाम के। और जब हमने वहां पे एयर प्यूरिफायर को स्टार्ट किया तो वहां पर ये मात्र 30 मिनट के अंदर ये सारे के सारे बैक्टीरिया को वायरस को रिड्यूस कर दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये रेड वाला है, ये इसके एयर प्यूरिफायर के बाद में ये इतना हो गया वहां पे वायरस। तो ये रिपोर्ट है आईआईटी दिल्ली इन 2019 की रिपोर्ट है ये। ठीक है फ्रेंड्स, उसके साथ साथ इफेक्टिवनेस कंपैरिजन ऑफ टेक्नोलॉजी, जितने भी एयर प्यूरिफायर हैं, किसी पहली बात तो प्लाज्मा क्लस्टर तो किसी के साथ में है नहीं, हैपा वाला कुछ करता है, प्री फिल्टर कुछ करता है, सारे के सारे कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन दोस्तों शार्प का जो एयर प्यूरिफायर है ये सारे खानों पे इसके राइट मिलेगा, यानी कि ये आपके जो डस्ट हैं PM2.5 और PM10, पोलन, पेट डेंडर, स्मोक, जो स्मेली सब्सटेंस होते हैं, जो इस बदबू होती है, वीओसी और अदर टॉक्सिक गैसेस होती हैं, स्टैटिक चार्ज, डस्ट माइट, माइक्रोब्स एंड अदर इंफेक्शियस सब्सटेंस, यानी और सफोकेशन, यानी कि अभी गर्मियों में क्या होगा, सफोकेशन होगा, स्टेनलेस होगा, उसको भी खत्म करता है, ओजोन और हाइड्रोसिल को खत्म करता है। ठीक है दोस्तों, ये हाँ ओजोन और हाइड्रोसिल प्रोड्यूसर, यानी कि जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं वो ओजोन को प्रोड्यूस करते हैं ज्यादातर, तो ये ओजोन भी प्रोड्यूस नहीं करता। और दोस्तों कोई एक्टिव और कोई पैसिव मोड में काम कर रहा है, लेकिन दोस्तों ये एक्टिव और पैसिव मोड दोनों मोड में काम करता है, तो जो सबसे लास्ट वाला खाना है तो ये वेस्टीज का शार्प एयर प्यूरिफायर का है। और दोस्तों ये वो सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमें मिले हैं 32 ग्लोबल लेबोरेटरी से, ये ब्रिटिश एलर्जी का ये फाउंडेशन का है, ये शार्प का, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इसको चालू करने के बाद 99% बैक्टीरिया को ये खत्म कर देता है, टेस्टेड बाय ITEA, 99% रिड्यूस ऑफ एयरबोन एलर्जेंस फ्रॉम डस्ट माइट एंड फेसिस।
और कितनी देर के अंदर, अप्रोक्स 51 मिनट के अंदर ये सारा का सारा 99% माहौल बिल्कुल अच्छा कर देता है। और दोस्तों ये हमारे इंडिया का ही सर्टिफिकेट है, अस्थमा सोसाइटी ऑफ इंडिया। जी दोस्तों, तो ये इंडिया लेवल की एक सोसाइटी है अस्थमा से रिलेटेड। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उपेंद्र कुमार जैन जी ने, उन्होंने भी इसको सर्टिफिकेट इशू किया है कि अस्थमेटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। और इस सर्टिफिकेट को दिखा के आप किसी भी अस्थमेटिक पेशेंट या किसी भी अस्थमेटिक डॉक्टर को आप इसको प्रिस्क्राइब करने के लिए भी बोल सकते हैं। जी दोस्तों, प्यूरीफाई एयर विद द सेम आयंस एज इन नेचर, यानी कि जब आप अपने घर के अंदर आप इसे चलाएंगे तो ये जो आप नेगेटिव और पॉजिटिव आयन दिख रहे हैं ये वहां पे नहीं दिखेंगे, लेकिन ये आपके उस माहौल को, जो एक जंगल वाला माहौल होता है, उस माहौल को आपके घर के अंदर पैदा करने में, बनाने में सहायक होंगे। जी दोस्तों, ये बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के, बड़ी बड़ी संस्थाओं के हैं, उन्होंने भी देखिए इसके बारे में बोला है, ब्रीदिंग फ्रेश एंड क्लीन एयर आर will drastically reduce the chance of health ailments। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी डॉक्टर्स हैं, चेयरमैन हैं बड़ी बड़ी सोसाइटी के, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के। ठीक है दोस्तों, ये देखें यहाँ पे, अभी आप यहाँ पे देखेंगे ये सारे के सारे यहाँ पे वायरस हैं, ये वायरस के नाम हैं। ठीक है, ये टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये डेट है, सन है, कौन से सन में, कौन सी डेट में, किस किस बैक्टीरिया के ऊपर किस किस तरीके से उन्होंने काम किया और किस तरीके से ये इनको खत्म किया। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर ये मेरी प्रेजेंटेशन समाप्त होती है। तो थैंक यू एंड विश यू वेल्थ। और इससे रिलेटेड जो भी आपके सवाल हैं वो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, जिनका मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। और अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं।